Hello everyone, this is Anubhav Sapra from Delhi Food Box. We are in Agra exploring the street food. हम लोग फाइनली आगरा आ चुके हैं और अपनी आगरा फूड जर्नी की शुरुआत एक बहुत ही फेमस यहाँ पे एक चाय शॉप है दिल्ली गेट के पास में, वहाँ शुरू करेंगे। और यहाँ पे हमें ताहिर भाई मिलने वाले हैं जो कि हमें फूड टूर पे ले जाएंगे। ताहिर भाई कैसे हैं? हेलो, मैं बहुत बढ़िया से, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। वेलकम टू आगरा। थैंक यू। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप दिल्ली से आए हैं यहाँ पर खाना चखने के लिए। यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल, तो आगरा के लोग काफ़ी जल्दी उठ जाते हैं सुबह में, और ये जो चाय का जॉइंट है ये 24/7 खुला रहता है, कभी बंद नहीं होता है। अच्छा, तो आज की फूड जर्नी हम यहीं से शुरू करें। चलो आइए। तो क्या ऐसी क्या खास बात है इनके चाय में? ये जो है चाय इनकी बहुत ही अच्छी होती है, अदरक लौंग इलायची सब डाल कर। ये दिल्ली गेट पर लोकेटेड है एकदम, इनका नाम है दिल्ली गेट चाय वाला, नाम ही ये पड़ गया है। 24/7 ओपन रहती है शॉप, आप कभी भी आइए। 24 घंटे साथ होते, कभी इसको मैंने बंद नहीं देखा है। और इनकी एक स्पेशलिटी है जो हम ऑर्डर करेंगे यहाँ पर, ब्रेड को ये कोयलों के ऊपर सेक कर देते हैं, कोयला पर टोस्ट। तो उसका कोयले का भी एक अलग फ्लेवर आता है। तो हम एक बन मस्का भी ट्राई करते हैं और साथ में चाय भी। बन मस्का, चाय और वो टोस्ट, तीनों चीज़ ट्राई करेंगे। तो हमारी आगरा फूड जर्नी की शुरुआत दिल्ली गेट की फेमस चाय से हो रही है, और एक देखते हैं कितनी ही भीड़ लगी पड़ी है यहाँ पे चाय की दुकान पे। तो चीयर्स। अच्छा, ये मैं बहुत सी चीज़ बताई, इस दुकान में शटर ही नहीं है, तभी ये दुकान बंद ही नहीं होती, 24 घंटे खुली रहती है। क्या बात है। और हमारे पास यहाँ पे रस्क है, इसको पापे बोलते हैं, कोयले पे पकी हुई बन मस्का। अरे वाह, मेरे को याद है बचपन में मैं बिस्किट पे मक्खन लगाया खा रहा था। अच्छा, हाँ। चाय में बहुत ही अच्छा फ्लेवर है, अदरक का, इलायची का और बाकी मसालों का। बन मस्का इसके अंदर में पूरा एक मक्खन का एक लेयर लगा हुआ है। आपको पता है बहुत यहाँ पे बंद को बंद बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट कहाँ जा रहे हैं? अब चाय से शुरुआत हो गई हमारी सुबह की, पेट जो है थोड़ा जागरूक हो गया एकदम। बिल्कुल बिल्कुल, अब हम लश्करी खाना खाएंगे, थोड़ा जो फौज खाती थी मुगल फौज वो खिलाएंगे आप। अभी हम लोग गुदड़ी मंसूर खां में हैं, जो एकदम हार्ट ऑफ द सिटी कहलाता है, ये वॉल्ड सिटी के अंदर का एरिया है। तो ये जो जगह है इसको गुदड़ी मंसूर खां का चौराहा कहते हैं। इसको एक्चुअली अकबर से भी पहले बना था, लोधीज के जस्ट बाद बना था ये एरिया। पुराना आर्किटेक्चर है। जी हाँ जी हाँ, इस जगह का नाम नई बस्ती है, बस नाम में नयापन है, वरना ये जो एरिया है बहुत ही ज़्यादा पुराना है। ये सुबह का ब्रेकफास्ट। जी हाँ, नहारी और पाए। जी हाँ जी, एकदम अच्छी नहारी मिलती है यहाँ पर। हम लोग नहारी ट्राई करेंगे। जी हाँ जी हाँ, अब अभी हम हाजी मुख्तारो, ये काफ़ी फेमस नहारी है, उनके बेटे हैं, और बहुत ही इनकी लजीज और ऑथेंटिक नहारी होती है। मतलब इन्होंने ये कोशिश नहीं करी है कि उसको टेस्ट बदल दें, थोड़ा मेलो डाउन कर दें। इसके जो मसाले हैं वो अभी भी आपको एकदम स्ट्रॉन्ग जिस तरह से पहले होते थे वो मिलते थे। नहारी की खासियत यहाँ पर यह है कि अलग अलग बोटी जो है वो अलग अलग लोगों के लिए सर्व होती है। अच्छा, और ये मींग जो है वो अलग से निकाल कर रखते हैं, जो इज वेरी हॉट। क्या है वो मींग? नली गूदा होता है। अच्छा, बोन मैरो। जी, बोन मैरो। अच्छा, उसको अलग से ला के रखते हैं। तो एक प्लेट लेते हैं हम अपने लिए। इसमें पाए भी हैं? जी, पाया है। अच्छा, नली नहारी पाया सब मिक्स है। कितने घंटे पकाते हैं इसको? कम से कम 5-6 घंटे। 5-6 घंटे मतलब रात में प्रिपरेशन शुरू हो जाती है, और सुबह कितने बजे शुरू हो जाता है? 5 बजे शुरू हो जाता है, 5 बजे से लेकर 10 बजे तक। 10 बजे तक। और साथ में खाते हैं इसको खमीरी रोटी के साथ। मतलब ये प्रॉपर ट्रेडिशन है दिल्ली का भी, बाकी शहरों का भी, कि ब्रेकफास्ट चाहे लखनऊ हो
या हर जगह पे ब्रेकफास्ट में नहारी खाते हैं। बहुत ही रिच है, मतलब रिच इन द सेंस फ्लेवर्स में, स्पाइसेस में, काफ़ी अलग है दिल्ली की नहारी से। जी बिल्कुल, बोटी के जो रेशे हैं सिंस वो रात भर बनी है तो पूरे सालन में मिल रहे हैं, तो अलग से नहीं है कुछ भी, अलॉन्ग विद मींग और मसाले उन सब का एक टेस्ट आ रहा है, आप अलग अलग नहीं पहचान सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वाला जो नहारी है वो यहीं पर मिलता है, बाकी जगह पर जाएंगे तो क्या होता है कि जो खड़ा मसाला होता है उसका अलग से वो आता है, अलग से हिट करता है। नहीं, मसालों की काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। जी हाँ, मेरे लिए प्रेफरेंस ये है। अच्छा, और बहुत जगहों पर देखा मैं नहारी में जैसे नली आपको बोलना पड़ता है कि नली नली डाल के जी, दो जी, जी। या भेजा डाल दो, या मिक्स सारी चीज़ें पाया में मिक्स की, पाया में मिक्स किया हुआ है, बाकी जगह पाया अलग मिलता है, बोन मैरो अलग मिलता है। यहाँ ये है कि आप प्रेफरेंस बता दीजिए अपना, सब कुछ है उसमें, पर अगर आप प्रेफरेंस बताएंगे कि मुझे मींग ज़्यादा चाहिए तो मींग अलग से डालेंगे, अगर बोलेंगे आप मुझे रान चाहिए तो रान अलग से डालेंगे, उस तरह से होता है आप। तो इट्स ये नहारी वाले कम है, ये क्या कहते हैं उसको, हकीम ज़्यादा है। आप इनको मर्ज बताइए, आपको अलग तरह से आपका नहारी बना कर देंगे। ज़्यादा मज़ा इसको खाने में विंटर्स में आता है, बिल्कुल या बिल्कुल ठंड हो जी, और सुबह सुबह नहारी मिले और करारी कबीर रोटी मिल जाए, उसका मज़ा ही कुछ और है। और ये जो नान बनाते हैं वो इनका तंदूरी पास होता है, सुबह आप तंदूर के पास बैठकर भी खा सकते हैं। अच्छा, नहीं बैठे गर्म गर्म रोटी आती रहे, आप एकदम वहाँ बैठ जाइए तंदूर से ऐसी रोटी निकलेगी आप खाइए। तो उसका ये आगरा में गर्म खाने का रिवाज बहुत है, आपने बताया गर्म खाना और करारापन, गर्म और करारापन, ये दो चीज़ खाने में ज़रूर होनी चाहिए। तो अब हम एक और जो लश्करी खाना है जो हलीम है उसके लिए आए हैं आप यहाँ पर। हलीम? जी हाँ, ये कश्मीरी बाज़ार में ये शॉप है, ये हलीम बेचते हैं यहाँ पर सुबह सुबह, लेकिन ये भी हम लोग फाइनली अब ट्राई कर रहे हैं हलीम। जी हाँ, तो काफ़ी अच्छी कैस में आप है, बहुत ही प्रोटीन होता है हलीम में, बहुत ही न्यूट्रिशियस है, काफ़ी हेल्दी होता है, ये ऐसा मील है जो आप एक बार खाइए तो कम से कम अगले 7-8 घंटे कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम खाएंगे जी, हम खाएंगे। बहुत ही बेहतरीन, इसमें हल्दी काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया है, काफ़ी ज़्यादा हल्दी डाला है। अगर आप देखेंगे तो इसमें बोटी के जो रेशे हैं वो एकदम दाल के अंदर घुल गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये रात भर, सो रात को 8 बजे चढ़ाते हैं, सुबह 5 बजे तक बस दम देते हैं, उसके बाद 5 बजे से लेके 7 बजे तक घोटते हैं बस उसको, हाथ से घोटते हैं मशीन वगैरह से, तो जो रेशे हैं वो एकदम इसमें बिखर जाते हैं। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छे से पकाई हुई है हलीम है, और मसालों का काफ़ी अच्छा स्वाद आ रहा है इसमें, स्पेशली हल्दी टर्मरिक जी जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है। ये जो है ये एरिया जो है नई बस्ती के पास में है, कश्मीरी बाज़ार है ये एरिया, जो उस वक्त की जो मेन मार्केट थी उनमें से एक एरिया है, तो हमेशा काफ़ी कमोशन रहता था, तो इस मार्केट में आपको मतलब 16-18 घंटे कुछ ना कुछ खाने का अलग अलग मिलेगा, सुबह के अलग यहाँ पर खाना है, दोपहर का अलग यहाँ पर खाना है, शाम का अलग खाना है, रात का अलग खाना है, और एकदम 1-2 बजे का अलग है अलग खाना है। तो ये हम लोग जो अभी खा रहे हैं ये मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट उसमें अभी, उसके बाद लंच में हम लोग कहीं और जाएंगे जी हाँ। और इनमें दोबारा हम लोग इस जगह पे आने वाले हैं, रात को हम आएंगे यहाँ दोबारा यहाँ पर। अब हम नमक की मंडी फाटक में, यहाँ के बहुत पुराने हलवाई हैं, बहुत जाने पहचाने शहर के मुन्ना लाल हलवाई, इन्हें क्या कि जो बेड़ई है, बेदमी पूरी भी जिसको आप बोलते हैं दिल्ली में, और ये मूंग का हलवा, ये काफ़ी फेमस है। लगा दीजिए एक प्लेट हमारे लिए बेड़ई।
यहाँ पे है ये बिड़ई, जिसको ये बिड़ई है इसको बेदमी बोलते हैं दिल्ली में। साथ में आलू की सब्जी है, सीतावली सब्जी है और दही है। सो फ्रेश, बहुत ही फ्रेश, बहुत ही खस्ता है। ये भी जो प्रेपरेशन है देसी घी में बनता है, सुबह के वक्त ही मिलता है। आलू की सब्जी में ये लोग पनीर भी डालते हैं जी। हाँ, तो ये कांस्टेंट है पूरे साल, यही सब्जी चलती है, सीताफल की और आलू सब्जी। वाह, ये दाल की पिट्टी। तो बेसिकली बोला जाए तो ये उड़द दाल स्टफ पूरी है। जी हाँ जी हाँ, उड़द दाल स्टफ पूरी है, लेकिन बहुत ही खास्ता है, बहुत ही खास्ता है। और साइज़ बाकी पूरी से थोड़ा छोटा है, जैसे आप कह रहे थे कि ये कचौड़ी और पूरी के बीच का है। ये इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं बोलता हूँ, ये कचौड़ी का छोटा भाई है और पूरी का बड़ा भाई। तो ये पूरी से ज़्यादा हैवी होता है और कचौड़ी से पतली स्टफिंग होती है, इसकी काफ़ी महीन स्टफिंग है। देखिए इतनी सी है, कई लोग होते हैं उनको कचौड़ी की मोटी स्टफिंग पसंद नहीं आती, वो निकाल के रख देते हैं। ये चीज़ काफ़ी, वाह ये बिल्कुल खास्ता वाली है, मज़ा आ गया। ये देखिए, अगर आगरा की बात करें तो पहली डिश कुछ अगर दिमाग में आती है वो बिड़ई आती है, और बहुत ही स्पेशल है। बेसिकली इसका आटा भी थोड़ा कोर्स है टेक्सचर में, मतलब मोटा पिसा हुआ आटा है। साथ में थोड़ी सी उड़द दाल की फिलिंग है, और उसके बाद इसको डीप फ्राई करते हैं घी में। साथ में आलू की सब्जी है और मखाने भी हैं इसमें, पनीर भी डालते हैं इसमें, पनीर भी है। ऊपर से थोड़ा खट्टापन के लिए दही डाला गया है और फिर सीतापन। बहुत ही बढ़िया, मतलब घी का तो बहुत ही स्वाद आ रहा है। मुँह में रखकर से मुँह महक जाता है, हर तरफ टेस्ट फैल जाता है, मुँह महक जाता है घी से। अब नेक्स्ट क्या खाने वाले हैं? अभी जो है हम काला महल पर आ गए हैं, और यहाँ पर सिंधी कम्युनिटी जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है। अच्छा। तो हम एक सिंधी डिश होती है उसको पकवान बोलते हैं, उसका नाम ही सिंधी पकवान, दाल पकवान। जी हाँ, सिंधी दाल पकवान। अरे आइए, तो दाल पकवान तो बेसिकली ये बड़ी सी बिग साइज मठरी है, इसको पकवान भी बोलते हैं। और साथ में ये दाल है जो चने की दाल है, ऊपर से हरी मिर्च का छोका है और प्याज। तो आप बता रहे थे यहाँ पे सिंधी कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा है, हमने सिंधी मंदिर भी देखा रास्ते में आते हुए। जी यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि ओवर द इयर्स कई सारी कम्युनिटी आकर बसती हैं। ये है ब्रज एरिया, मथुरा के आसपास का एरिया ब्रज एरिया है। फिर मुगल्स ने यहाँ पर जब शासन करा तो आगरा जो है एक कैपिटल सिटी, वर्ल्ड रेनाउंड सिटी बना। उसके बाद जैंस यहाँ पर आए, कई सारे मारवाड़ी लोग भी आए। उसके बाद जो है पार्टीशन के वक्त जो सिंधी कम्युनिटी है वो यहाँ आकर बसी। तो इस पूरे एरिया में ओवर लाइक वन डे यू विल गेट अ लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चरल कुजीन्स। इट्स अ क्रॉस कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल डिफरेंट रिलीजन। जी हाँ जी हाँ, तो यहाँ पर सब एक साथ को एग्जिस्ट करते हैं, सब एक दूसरे का खाना खाते हैं, तो क्या है उससे प्यार बना रहता है। जो आप बता रहे थे सुलह कुल। जी हाँ, सुलह कुल। दाल स्पाइसी है। जी हाँ, वो स्पाइसी बोल रहे हैं, मतलब मसाले तेज हैं। जी, स्पाइसी के ऊपर उन्होंने वो तेल और डाला है आपके लिए स्पेशल, और स्पेशल कर दिया, और मैच कर दी। ये बहुत ही पुरानी दुकान है, ऐसा बता रहे थे 1840 की। 1840 की दुकान है चिमनलाल पूरी वाले। आगरा का जो टेस्ट है अभी तक यहाँ पर संभाल कर, इट्स लाइक अ म्यूजियम ऑफ फूड। और ये यहाँ पर ब्रेकफास्ट थाली है इनकी। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें दो पूरी है, आलू छोले की चने की सब्जी, पेठा उसको काशी फल सीताफल भी बोलते हैं, आलू मटर पनीर, चटनी, मिर्च का अचार, रायता, खीर। ये मसाले वाली पूरी, इसमें मेथी है। ये ट्राई करते हैं पेठे के साथ। मीठा मीठा है। जैसे ये पूरी हमने बिदई ट्राई किया था, बिदई में दाल सब थी। जी हाँ, पूरा दाल, ये नॉर्मल आटे की पूरी है। जी। और एक मसाले वाली पूरी है जो उसमें मेथी चला हुआ है।
यहाँ सब्जियों का टेस्ट है तो बहुत ही डिस्टिंक्ट है, काफ़ी जगह अलग अलग है। थोड़ा बहुत मतलब आप बताए ये बनारस उस तरफ के खाने का सेम स्वाद है, वहाँ भी ऐसा ही सब्जी में आपको टेस्ट मिलेगी बिल्कुल जी। और हमारी सब्जी पेठे की ऐसी मिलेगी आपको, बहुत मिलता है स्वाद है। ये आगरा का पर्टिकुलर एक टेस्ट होता है, यहाँ पर जब शादी ब्याह होता है तो जो पत्थर वाला खाना होता था, वो वही ये वही वाली सब्जी। अभी एक किचन में है जहाँ पे पेठा बनता है, ये फल है, इसको अंग्रेजी में वाइट पम्पकिन बोलते हैं या पेठा बोलते हैं, पेठा ही वो सब्जी में पेठा बोलते हैं, पेठा बोलते हैं। ये जो पेठा है ये महाराष्ट्र से आगरा आता है। अच्छा, फिर इसके अंदर का जो गूदा होता है काट कर वो गूदा निकाल देते हैं, ये देखिए बीज वगैरह सब गिरा हुआ है, उसके बाद इसको स्लाइसेस में काटते हैं ऐसे करके, इधर वॉशिंग का है तो अच्छे से धुलता है फिर, और फिर जो है इसको गूद देते हैं ऐसे, जो फोक्स होते हैं वो रहा वाली मशीन है उससे ऐसे ऐसे करके गूद देते हैं, वो देखिए वो हैंडल वाला फोक है वो हाथ से होता है, फिर उसको उबालते हैं, उबालने के बाद इसको जो उसका शीर होता है चाशनी में इसको डिप करके रखते हैं तो ये इसको एकदम एब्जॉर्ब कर लेता है। और फिर ये यहाँ पे अलग अलग फ्लेवर होते हैं, ये केसर पेठा है, ये केसर पेठा बन रहा है, ये केसर डालते हुए ये लाल चीनी डालते हैं, ये पूरा चाशनी में डूबा हुआ है। बहुत ही अलग फ्लेवर है, अभी ये फ्रेश होकर निकला है तो टेस्ट इसका अभी भी रॉ है, जब ये थोड़ा रखा रहेगा ना तो उसका टेस्ट और स्मूदन हो जाएगा। और हम अपनी ओल्ड सिटी आगरा फूड टूर की समाप्ति इस पेठे के साथ कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा सफ़र रहा ओल्ड सिटी में, काफ़ी चीज़ें मैं ट्राई की, बेदही हलेगी निहारी से लेकर, और फाइनली हम ट्राई कर रहे हैं आगरा का फेमस पेठा। और आगरा एक ऐसी जगह है जब आगरा का नाम लेते हैं पहली चीज़ जो दिमाग में आती है, पहला डिश जो दिमाग में आता है वो पेठा ही है जी। उसके बाद बेदही, तो हमने दोनों चीज़ें ट्राई की और वो भी हमें एक क्लासिक जो डिश है सूखा पेठा है जिसमें अच्छा गुलाब जल का अच्छा फ्लेवर भी है वो हम ट्राई कर रहे हैं। ये जो गोपालदास की शॉप है ये काफ़ी पुरानी दुकान है, ये थर्ड जनरेशन है इनकी जो इस बिजनेस में, काफ़ी ऑथेंटिक टेस्ट मिलता है आपको यहाँ पर पेठे का भी। हमें काफ़ी अच्छा लगा आपने हमें रास्ते में दिखाया, बता पेठा बनता कैसा है। ये पेठे को जो है ना गरीबों की मिठाई भी कहते हैं, क्योंकि 1970s तक क्या था, सारी मिठाइयाँ जो यहाँ पर आपने देखा देसी घी और बादाम और ये तो बहुत एक्सपेंसिव होती थी, पर गरीब लोग जो थे वो पेठा खाते थे। 1970-1980 में एकदम से मार्केट डेवलप हुआ, अलग अलग फ्लेवर्स इंट्रोड्यूस हुए, तब से आगरा का पेठा बहुत मशहूर हो गया, वरना ये गरीबों की मिठाई है। ठीक है, हम गरीबी सही लेकिन ये पेठा बहुत ही लाजवाब है जी। चलिए शुक्रिया।